क्या हाल है दोस्तों। मैं आपका दोस्त नरेश स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने गार्डनिंग चैनल बर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस में। और दोस्तों आज का हमारा वीडियो है दालचीनी या सिनेमन जो पाउडर है उसको रूटिंग हार्मोन की तरह हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस यूट्यूबर जो गार्डनिंग यूट्यूबर्स हैं वो भी सजेस्ट करते हैं, और काफ़ी एक्सपीरियंस जो गार्डनर्स हैं वो भी सजेस्ट करते हैं कि सिनेमन या जो दालचीनी का जो पाउडर है उसको रूटिंग हार्मोन की तरह हम यूज़ कर सकते हैं कटिंग को लगाने में। तो अभी मेरे पास ये तीन तरह की कटिंग है दोस्तों, जो कि बोगनविल की कटिंग है। और ये तीन तरह की कटिंग क्यों है ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, और कैसे हम सिनेमोन पाउडर या दालचीनी पाउडर को रूटिंग हार्मोन की तरह यूज़ करके कटिंग लगा सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है दोस्तों, आप बने रहिए इस वीडियो के साथ में ताकि आपको सारी ज़रूरी जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस है वो आपको मिल सके और आप ये समझ सके कि सिनेमोन पाउडर जो है सच में एक रूटिंग हार्मोन है भी या फिर ये सिर्फ एक गार्डनिंग मिथ है, एक अफवाह है। तो ये तीन तरह की जो कटिंग है वो इसलिए लिए मैंने दोस्तों, क्योंकि जब हम कटिंग लगाते हैं तो उसमें कटिंग जो है सजेस्ट की जाती है सेमी हार्डवुड कटिंग। सेमी हार्डवुड का मतलब मीडियम एज का जो टहनी है किसी प्लांट की उसको बोलते हैं सेमी हार्डवुड, और जो हार्डवुड जो होती है वो बिल्कुल एक हार्ड लकड़ी की तरह जो टहनी हो जाती है उसको हम बोलते हैं हार्डवुड। अगर उसकी कटिंग लेते हैं तो उसको बोलेंगे हार्डवुड कटिंग। तो इस हार्डवुड को पहचानने का एक तरीका ये भी होता है, इसका जो टहनी है इसके ऊपर आप ये जो स्ट्रेट लाइन जो देख रहे होंगे व्हाइट कलर की, ये डेवलप होना शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे जो टहनी है वो इतना ठोस हो जाती है कि अगर आप उसको मोड़ेंगे तो वो एक चटाक की आवाज़ के साथ में टूट जाएगी, 90 डिग्री एंगल से ज़्यादा मुड़ नहीं पाएगी। अगर आप उसको मोड़ेंगे तो वो टूट ही जाएगी। सॉफ्टवुड कटिंग वो होती है दोस्तों जो 90 डिग्री एंगल से ज़्यादा मुड़ जाती है, लेकिन सॉफ्टवुड जो है रूट्स जो है इतनी जल्दी डेवलप नहीं कर पाती है, और हार्डवुड जो है उसमें भी रूट्स डेवलप करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए हमेशा सेमी हार्डवुड जो कटिंग है उसको ही लेने के लिए सजेस्ट किया जाता है। इसमें भी दोस्तों एक जो स्ट्रेट कटिंग जो होती है 180 डिग्री एंगल पे अगर आप कटिंग करके लगाते हैं तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंस्ड गार्डनर्स जो है वो आपको ये बोलेंगे कि ये कटिंग जो है हमेशा 45 एंगल पर ही आप कट कीजिए, और जहाँ पर थोड़ा लीफ नोड हो उसके नीचे 45 डिग्री के एंगल पर कट कीजिए। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं तीनों तरह की वुड्स मैंने ली हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट वुड जो बिल्कुल ही नरम टहनी जो होती है एक प्लांट की वो, और सेमी हार्डवुड कटिंग भी मेरे पास है और हार्डवुड कटिंग भी। हम तीनों को लगा के देखेंगे कि तीनों में से कौन सी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, और तीनों में से एक एक जो कटिंग है उसके अंदर हम जो है यूज़ करेंगे सिनेमन पाउडर या जो दालचीनी पाउडर है उसका, और देखेंगे कि उसके अंदर रूट्स जो है ज़्यादा डेवलप हो पाती है या नहीं हो पाती, क्योंकि ये जो कटिंग्स है दोस्तों ये है बोगनविल्स की कटिंग, और ये नॉर्मली वैसे भी अगर आप बगैर किसी दालचीनी पाउडर के या रूटिंग हार्मोन के लगाएं तो भी ये लग जाती है। तो इसको चेक करने का तरीका एक यही है दोस्तों कि मैं एक एक कटिंग के अंदर तीनों टाइप की कटिंग, जैसे सॉफ्टवुड जो है बिल्कुल ही नरम टहनी जो होती है वो, और सेमी हार्डवुड और हार्डवुड, तीनों कटिंग के अंदर एक एक जो है टहनी के अंदर मैं यूज़ करूँगा दालचीनी पाउडर और उसको लगा के देखेंगे। और जो पॉट जो मैंने लिया दोस्तों, हमेशा जब कटिंग लगाए तो ध्यान रखें कि 6 से 7 इंच तक ही डीप सोयल हो, ज़्यादा पूरा मिट्टी का भरा हुआ पॉट में अगर आप कटिंग लगाते हैं तो रूट्स जो है डेवलप अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें मॉइस्चर वगैरह मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। तो मैंने इस ये 12 इंच का पोट है, मैंने इसको हाफ ही मिट्टी से भर रखा है, और उसके साइड में आप ये जो स्टिक्स देख रहे हैं ये बोगनविल की कटिंग नहीं है, ये सिर्फ मैंने सपोर्ट के लिए लगाई हुई है जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों मैंने लगाया। तो अब मैंने जो लीव्स एक्सेस लीव्स थे इन कटिंग से हटा दिए दोस्तों, और अलग अलग कैटेगरी में मैंने इनको रख लिया है। तो सबसे पहले मैं ये आपको एक कटिंग दिखा देता हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल ही 180 डिग्री पे मैंने स्ट्रेट कट इसमें लगा रखा है, और इसको भी मैं जो है लगाने वाला हूँ। इसके अलावा 45 डिग्री पे जो कटिंग जो लगानी चाहिए, जो एक एंगुलर कट लगाना होता है लीफ नोड के बिल्कुल नीचे, वो भी मैंने ली हुई है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैंने तीन कैटेगरी में इनको सेग्रीगेट किया है। एक कैटेगरी जिसमें स्ट्रेट कट है उसमें मैं एक एक जो कटिंग है उसके अंदर रूटिंग हार्मोन लगाऊंगा, दूसरी जो 45 डिग्री पे जो कट करने के लिए सजेस्ट किया जाता है उसमें भी मैं तीन तरह की अलग अलग कटिंग मैंने ले रखी है, सिर्फ एक ही कटिंग में मैं जो है दालचीनी पाउडर का यूज़ करने वाला हूँ। तो इस वीडियो से ना सिर्फ हम सिर्फ दालचीनी का इफेक्ट बल्कि सेमी हार्डवुड, हार्डवुड और जो सॉफ्टवुड जो कटिंग होती है उनकी सक्सेस रेट का भी हमें पता लगेगा। तो अभी मैं एक एक करके जो तीनों तरह की कैटेगरी की जो कटिंग है उनमें दालचीनी अप्लाई कर देता हूँ, और उसके बाद इनको हम पॉट में लगा देंगे, और उसके बाद में ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए इनको हम पॉलीथीन कवर से जो है कवर कर देंगे। सबसे पहले मैंने लिया हार्डवुड कटिंग मैंने लिया दोस्तों, इसको मैं अच्छे से एक बार, इसमें नीचे काफ़ी अच्छा पाउडर है, ये दरअसल जो दालचीनी की जो छाल आती है उसको मैंने घर ला के अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर बनाया है ताकि
कल को ये डाउट ना रहे कि मैंने मार्केट से कोई सिनामोन या दालचीनी पाउडर जो ख़रीदा वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था, उस वजह से सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाया। तो मैंने बिल्कुल ओरिजिनल जो है दालचीनी पाउडर मैं लेके आया हूँ, और एक एक करके तीनों तरह की कटिंग सॉफ्टवुड, हार्डवुड और सेमी हार्डवुड में मैं दालचीनी पाउडर जो है अप्लाई करूँगा। एक एक कटिंग में हम जो है दालचीनी पाउडर नहीं लगाएंगे और बिना दालचीनी पाउडर के ही उसको लगा के देखेंगे। दोनों ही टाइप की कटिंग में जो रूट्स जो है कितनी डेवलप होती है उसके बेस पे जो है हमें पता लग जाएगा कि दालचीनी सच में एक अच्छा रूटिंग हार्मोन है या सिर्फ ये एक गार्डनिंग मिथ है या कोई अफवाह है। तो जब भी कभी रूटिंग हार्मोन भी अप्लाई करें या दालचीनी पाउडर या कोई दूसरे तरह का अल्टरनेट भी आप अप्लाई करें, तो जहाँ पे कटिंग जो कट आपने लगाया है उसको अच्छे से एक बार ये जो पाउडर है उसमें अच्छे से लगना चाहिए। तो इसको एक बार अच्छे से आप जो है इसके अंदर चारों तरफ हिला के, अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन होता तो भी सेम ही मेथड था, आपको उसमें अच्छे से मिक्स करके एक बार जो है पाउडर पूरा उस कटिंग एरिया में जो अच्छे से लग पाए वो आपको करना है। और दालचीनी की दोस्तों एक बात और भी काफ़ी जो है गार्डनर्स के बीच में फेमस है कि एक एंटी फंजीसाइड है इसमें, जो जहाँ पे भी आप प्लांट के जो पॉट में भी यूज़ करेंगे तो फंजीसाइड का भी ये काम करता है। तो कटिंग्स मैंने ट्रांसफ़र कर दी दोस्तों इस पॉट के अंदर। अब एक बार हम समझ लेते हैं अरेंजमेंट है क्या। ये जो इस तरफ की जो कटिंग है ये सॉफ्टवुड, सेमी सॉफ्टवुड और हार्डवुड तीनों तरह की कटिंग है जो बिना किसी दालचीनी पाउडर अप्लाई किए मैंने लगाई हुई है। बीच में सिर्फ सॉफ्टवुड और सेमी हार्डवुड कटिंग ही मेरे पास थी, अभी एक हार्डवुड कटिंग मेरे को कम पड़ गई है तो वो मैंने लगाई हुई है। ये दोनों ही कटिंग जो है बिना दालचीनी पाउडर या सिनेमन पाउडर के लगाई हुई है। और इस तरफ की जो फर्स्ट जो रो है उसके अंदर जो है स्ट्रेट कट था, और सेकंड जो रो है उसके अंदर 45 डिग्री कट था। थर्ड जो रो है दोस्तों ये सारी की सारी कटिंग जो है इनके अंदर 45 डिग्री कट था, लेकिन इनमें मैंने जो है दालचीनी पाउडर या सिनेमोन पाउडर अप्लाई किया है। तो अब इनको मैं एक बार अच्छे से वाटर से स्प्रे कर देता हूँ ताकि मॉइस्चर एक बार इनके अंदर बन जाए। इसके बाद जब ये स्प्रे मैं अच्छे से एक बार कर दूंगा तो उसके बाद जो पॉट में जो सोयल है उसके अंदर भी मैं वाटरिंग करूंगा ताकि पॉट की जो सोयल है उसके अंदर भी मॉइस्चर डेवलप हो। उसके बाद जब भी कभी कटिंग लगाए दोस्तों हर 7 से 10 दिन के बाद में एक बार आपको वाटर स्प्रे ज़रूर करनी है ताकि लीव्स और स्टेम के ऊपर मॉइस्चर जो है बना रहे और ह्यूमिडिटी जो है डेवलप हो, जिससे कि रूटिंग का जो काम है वो शुरू हो पाए। तो अब इसकी जो सोयल है उसके अंदर मैं वाटरिंग करूँगा, और वाटरिंग अभी ये जो पॉट मैंने ले रखा है इसके नीचे होल है तो मैं वाटरिंग उतनी करूँगा कि होल के नीचे से एक बार वाटर निकले, फिर 7 से 10 दिन के बाद में फिर से मैं इसके अंदर वाटरिंग करूँगा। इसके ऊपर मैं कवर करने वाला हूँ पॉलीथिन कवर, और ताकि एक ग्रीन हाउस इफेक्ट मिल पाए और मॉइस्चर जो है कंटिन्यूसली एक जो ऑप्टिमम रेंज के अंदर रहे, जो मॉइस्चर एक ही रेंज के अंदर मेंटेन रहे, कभी ऊपर नीचे ना हो। तो ये साइड की जो स्पोर्ट स्टिक है इनका काम यही है कि जो पॉली कवर जो मैं कवर करने वाला हूँ उनको जो है इस कटिंग से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूसली टच में रहती है कटिंग के साथ में पॉली कवर तो मॉइस्चर जो है कहीं ना कहीं इसके स्टेम के साथ टच करता रहेगा और जो है फंगस इसके अंदर लग सकता है। तो फंगस से बचाने के लिए जो साइड में स्टिक्स है जो मैंने लगा रखी है, और अब इसके ऊपर पॉली कवर मैं कर दूंगा ताकि जो अंदर एक कंटिन्यूस मॉइस्चर बन पाए और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसके अंदर बन पाए। तो इससे जो है कटिंग के अंदर रूटिंग जो है वो इनिशिएट करने में थोड़ी हेल्प मिलती है, तो इसका हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। और ये कवर मैं पॉली कवर मैंने इसके ऊपर कर दिया है। अब हमें जो है क्या करना है, अभी देखिए जो पॉली कवर करने का भी तरीका है, इसको मैंने चारों तरफ से इस तरह से कवर किया है कि अंदर की एयर बाहर ना जा सके और बाहर की एयर और टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट जो है अंदर ना जा पाए। और जैसे ही मैंने इसको कवर किया तो ये एक हल्की सी लेयर मॉइस्चर की जो है इसके अंदर ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। तो ये पॉली कवर अपना काम कर रहा है, और अब इसको 7 से 8 दिन के अंदर एक बार हटा के इसके अंदर जो सोयल है उसके अंदर वाटरिंग और जो स्प्रे वाटर स्प्रे है वो मैं करूँगा। और जो रूट्स जो डेवलप होती है उसको टाइम लग जाता है 15 से 20 दिन का। तो ये वीडियो जो है पार्ट 1 था दोस्तों, पार्ट 2 जो है मैं 15 से 20 दिन के बाद में फिर से आपको अपडेट करूँगा सक्सेस रेट क्या थी और क्या सचमुच में दालचीनी जो पाउडर है वो रूटिंग हार्मोन का काम करता है या नहीं करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आज से 15 से 20 दिन के बाद में मैं जो है इसका पार्ट 2 अपलोड करने वाला हूँ, और इस एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट रहा वो भी मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच।